किसी के भी दिमाग में आखिर इतना जहर कैसे हो सकता है कि किसी के गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर उसे भौंकने के लिए कहा जाए। और बात यह भी जहरीली लग सकती है कि जिस समुदाय के बारे में कहा जाता है कि वो डरा हुआ है, वो समुदाय खुलेआम गले रेत रहा है, लोगों को कुत्ता बना रहा है। दिल्ली में क्या चल रहा है वो बताने की जरूरत कतई नहीं है, लेकिन देश के हर एक हिस्से में ऐसा चल रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की डेमोग्राफी चेंज कर दी गई, वहां विरोध क्या हुआ, धर्म निरपेक्षता की चाशनी को चाटने वाले तुरंत बाहर आ गए, लेकिन उस मुद्दे पर जुबान सिल गई। आज आपको बताऊंगा ये जिहाद की आग आखिर कैसे ठंडी की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जो वीडियो मध्य प्रदेश से सामने आया है वो जिहाद की प्रकाष्ठा की इंतहा है। एक तो चंद लंपट किस्म के लंपट पूरे समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। पहले आप इन दबंगों की दबंगई का वीडियो देखिए, फिर आगे की कहानी पर बात करेंगे। कुत्ता बन भाई, मैं बोल साहिल भाई, सॉरी साहिल भाई, मेरे बाप है, मेरे भाई है, बड़े भाई है, फेरान भाई मेरे भी पापा भाई, मेरे भाई है, मेरी माँ उनकी माँ, उनकी माँ मेरी माँ है। हाँ बोल, सॉरी की हरकत कर रही है तू भाई। अपनी माँ की कसम, मैंने आपको सॉरी बोल तो दिया, स्टोरी पे देखो ना। अब बोल भोक, मैंने तेरा क्या करा था ये बता। कुत्ते की तरह भोक भाई, मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, कुछ भी नहीं करा भाई, आपके दोस्तों ने कराया था। मानना नहीं शामिल भाई, जो ये बोले वो करता रहे बस। कुछ भी नहीं था, किसी और ने डाली स्टोरी, किसके कहने से बकरी गाली। शाहरुख ने, शाहरुख भाई, शाहरुख के कर गया था वो, ऐसा कर शाहरुख ने बना करा भाई, मैंने नहीं करा भाई। इस वीडियो में जिसके गले में कुत्ते का पट्टा बंधा है वो हिंदू है, और जैसी घटनाएं आजकल हिंदुओं के साथ, उनकी बेटियों के साथ हो रही हैं, लगता जैसे ये एक नियति बन गई है और हिंदू भी इसे अब स्वीकार करने लगा है। और जो इतनी हिम्मत बढ़ रही है वो आखिर किसके दम पर बढ़ती जा रही है। अब जरा सोचिए कितनी हिम्मत हो गई है जिहादियों की। मिलते हैं, पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं, और उसके बाद उसके उसको कहते हैं कुत्ते की तरीके आवाज निकालो। मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है, जेल भी भेज दिया है, उनके घर पे बुलडोजर भी चला दिया है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन मेरा यह मानना यह पर्याप्त नहीं है। यह एक जिहादी सोच है जो भारत की संस्कृति को नहीं मानती है, ये जिहादी सोच भारतीय परंपरा को नहीं मानती। जो जिहादी सोच इस देश की संस्कृति को नहीं मानती, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? क्या सरकार को उनके बारे में अब नहीं सोचना चाहिए? क्या ऐसे लोग इस देश के नागरिक होने के लायक हैं? ये जिहादी सोच भारतीय परंपरा को नहीं मानती, इसलिए अब समय आ गया है भारत की नागरिकता को ही परिभाषित किया जाए। अभी आज की रेट में जो भारत में पैदा हो गया वो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की नागरिकता उसे मिलनी चाहिए जो भारतीय संस्कृति को मानता हो, भारत की नागरिकता उसे मिलनी चाहिए जो सर्वपंथ संभाव को मानता हो, भारत की नागरिकता उसे मिलनी चाहिए जो नारी तू नारायणी को मानता हो, भारत की नागरिकता उसे मिलनी चाहिए जो सभी इंसान को, प्रत्येक इंसान को एक समान मानता हो, भारत की नागरिकता उसे मिलनी चाहिए जो महिला पुरुष को एक समान मानता हो। इसलिए अब केवल पैदा होने भर से भारत की नागरिकता देना यह बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, अब समय आ गया है कि नागरिकता को परिभाषित किया जाए और ऐसे जिहादियों को जेल भेजने के साथ साथ इनकी नागरिकता को भी वापस लिया जाए। उत्तर प्रदेश एक ऐसा उदाहरण है जिससे हर किसी को सीखना चाहिए। योगी के सत्ता संभालने से पहले उत्तर प्रदेश का मुसलमान हिंदुओं पर इतना हावी था जिसे शब्दों में बयां कर पाना शायद बहुत मुश्किल काम है। मुजफ्फरनगर के कवाल में जो हुआ था उसे उत्तर प्रदेश तो क्या देश नहीं भूल सकता। हिंदुओं के साथ क्या बर्बरता की गई थी और प्रशासन मूक दर्शक बना था क्योंकि यादव परिवार उस वक्त सैफई में नाच गाना देख रहा था। लेकिन आज के उत्तर प्रदेश को देखिए, घटनाएं अब भी होती हैं लेकिन अब सजा भी तुरंत दी जाती है, और सजा ऐसी मिलती है कि मिलती एक को है और हजार की आंख खुल जाती है। तो देश को ऐसे ही कानूनों की अब जरूरत है। जब तक इनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी तब तक इनके अंदर खौफ पैदा नहीं होगा। तो सबसे पहले नागरिकता को परिभाषित किया जाए, दूसरा मिशनरियों, जिहादियों और घुसपैठियों के खिलाफ
5 कानून उपयोग किया जाए। पहला, सबसे पहले उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाए। जो लोग धर्मांतरण कराते हैं, जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं अवैध रूप से यहां पे, वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए जिहादियों, मिशनरियों और घुसपैठियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना चाहिए। दूसरा, विदेशी पंथ में कन्वर्ट करना, भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए भारत के अंदर घुस जाना। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए आ रहे हैं, ये भी देशद्रोह है। ये विदेशी पंथ में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भारत की संस्कृति नहीं मानते, ऐसे जो रिलीजन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ये भी देशद्रोह है। तो घुसपैठियों, जिहादियों, मिशनरियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के साथ साथ देशद्रोह की धारा लगाना चाहिए। तीसरा, घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए घुसपैठियों, मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ यूएपीए, ये कानून है राष्ट्रीय एकता अखंडता को बचाने के लिए। जो जो आदमी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा है, उसके खिलाफ हमारे पास एक कानून है, उसको यूएपीए कहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया जाए। तीसरा, इन लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए। जब तक संपत्ति जब्त नहीं होगी, बुलडोजर चलाने से कोई फायदा नहीं है भाई। उन्होंने मकान बनाया, आपने बुलडोजर चला दिया तो नुकसान हुआ ना, प्रॉपर्टी सीज तो नहीं हुई ना, जमीन जब्त तो नहीं हुई। इसलिए कह रहा हूं बुलडोजर क्यों चलाना, अगर मकान बना बनाया है सीधे सीज कर लीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए, काहे नहीं उसमें बुलडोजर चलाना, खामखा नुकसान करना। ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी सीज करना चाहिए। और पांचवा, ऐसे लोगों को कम से कम 20 से 50 साल की सजा दिलाने के लिए और 1 साल के अंदर सजा दिलाने के लिए पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाए। पुलिस सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि 1 घंटे के अंदर FIR हो और 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाए, चार्जशीट फाइल हो जाए। वो तभी हो सकती है जब नाको पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो। जैसे जिन लोगों ने कुत्ता बनाया है, कुत्ता बना के पट्टा बांध के उसको भू भू भूकने के लिए बोला है, जब तक उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग आप टेस्ट नहीं होगा, तब तक पूरी सच्चाई नहीं पता चलेगी। अगर जब उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो और उनसे पूछा जाए कि तुमने किस सोच के साथ इसको कुत्ता बनाया, किस सोच के साथ भूकने के लिए मजबूर किया, तब वो सही बात बताएगा कि नहीं नहीं ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो काफिर है, हमसे नफरत करते हैं, जो भी है बताएगा सही। मेरे हिसाब से इन जैसे लोगों की मानसिकता को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग चाहते हैं देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बने, इसलिए जनसंख्या का विस्फोट लगातार जारी है। देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, इनकी इच्छाएं और मानसिकता साफ है। इनका मानना है कि हमने पहले भी इस देश पर राज किया था और फिर करेंगे। जब पालघर जैसी घटनाएं इस देश में हो जाती हैं तो फिर ये तो सिर्फ एक पट्टा बांधा गया है, एक टिप्पणी पर गले साफ कर दिए जाते हैं। मैं देश की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री से खुद को जनता का सेवक कहते हैं जब वो देश के विकास के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, तो जो कानून जर्जर हो चुके हैं, जो कानून नहीं अभिशाप बन रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बदला जा रहा, उन्हें आखिर कब बदला जाएगा, कब लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? ये काम अब जरूरी हो चुका है। प्रधानमंत्री जी इस पर भी ध्यान दीजिएगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।